ऊपर नरेश फैमिली ब्लॉग। और आज मैं दोपहर का वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर को मैं फ्री रहती हूँ, तो सोची कि वीडियो बना लूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए साड़ी कलेक्शन लाई हूँ, और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं दुकान खोल कर बैठी हूँ, तो नहीं, दुकान नहीं, मैं अपना साड़ी कलेक्शन कुछ साड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बनारसी साड़ी से स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए, ये है रेड कलर का बनारसी साड़ी, रेड और ग्रीन का पाड़ा है इसमें। और ये मुझे मेरी मौसी ने मेरे शादी पर दिया था, तो मैं थोड़ा सा खोल कर आपको दिखा रही हूँ। अभी रुको, बंद हो जाओ, सब तो एक ही जैसा है, तो दिखाने का क्या है। अच्छा, हाँ है ठीक। और तो ये सब देख सकते हैं, इसका पल्लू ऐसे है और बाकी में इस तरह का वर्क किया हुआ है, तो ये काफ़ी सुंदर मुझे लगता है साड़ी, इसलिए मैं सबसे पहले यही साड़ी दिखाई क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और बनारसी में मेरे पास और एक कलेक्शन है, वो मेरे शादी में चढ़ा था, इनके तरफ से चढ़ा हुआ था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरे शादी पर चढ़ा था इनके तरफ से, तो ये बनारसी साड़ी है। और ये मस्टर्ड, पता नहीं, समझ में नहीं आता, मस्टर्ड से भी थोड़ा डार्क साड़ी है, और इसमें मैरून कलर का इस बॉर्डर है, और इसका जो पाड़ है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं वीडियो में उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, है तो बहुत अच्छा लेकिन ठीक से दिख नहीं पा रहा है वीडियो में शायद। तो ये दूसरा मेरा बनारसी है, दो बनारसी मेरे पास है। और अब देखिए, मैं अपना सिल्क साड़ी का कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो ये सिल्क साड़ी लाइट पिंक कलर का है और वाइट कलर का इसमें वर्क है, आपको दिख रहा होगा ऐसे। और ये मुझे बहुत पसंद है, काफी हल्के में बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, इसका ये पाड़ है और ये पूरा ऐसे इस तरह से पिंक, ये पिंक कलर का है, ये प्लेन ऐसे पिंक कलर का है। और ये देखिए, ये साड़ी मेरे शादी पर चढ़ा हुआ था, ये भी सिल्क साड़ी है, इसमें पर्पल का वर्क, पर्पल इसका जो साड़ी का पाड़ है वो पर्पल कलर का है, ये देखिए इस तरह से है। और लाइनिंग है, तो लाइनिंग शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं सामने से कोशिश कर रही हूँ दिखाने का, ये लाइनिंग से है। और इधर इस तरह से पूरे पर इस तरह का काम किया हुआ है, बॉर्डर है नीचे, देखिए ये वो ऊपर का था, ये नीचे का है। तो ये एक और सिल्क साड़ी है। और ये देखिए, ये हल्दी पीला रंग का मेरी मम्मी ने सिल्क साड़ी दिया था साड़ी पर, इस तरह से है। और इसके इसका जो पाड़ है बहुत ही अच्छा है बनारसी लुक में, देखिए आपको मैं ओढ़ कर दिखाती हूँ, और ये काफी अच्छा लगेगा देखिए। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, और ये भी मेरी मम्मी ने शादी पर ही दिया था। आपको अधिकतर मेरी साड़ी शादी की ही दिखेगी क्योंकि मैं साड़ी ज्यादा लेती नहीं हूँ, और ये पूरा ही खुल गया। और ये एक मैरून सा, ये दिख रहा है रेड कलर का लेकिन है मैरून कलर का सिर्फ साड़ी, और ये भी मेरी शादी पर ही चढ़ा था। और ये देखिए, इसका पल्लू इस तरह से है कुछ, और पूरा सा पूरे बॉडी पर इस तरह से वर्क है, वर्क आपको दिख, ये देखिए इस तरह से वर्क है,
तो ये मैरून कलर का सिल्क साड़ी है, मैरून में ये कोको कोला कलर का इसका बॉर्डर है, बॉर्डर और प्लस वो और एक ग्रीन है, ये मेहंदी कलर का सिल्क साड़ी है, ये भी आपको ग्रीन कलर का दिखता होगा, देखिए मेहंदी कलर में मैरून इसका ये है साड़ी का पार्ट है। तो देखिए ये मैरून कलर का है, सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से इसमें वर्क किया हुआ है। तो ये मेरा सिल्क साड़ी का कलेक्शन था और मैं वर्क वाले कुछ साड़ी आपको दिखा रही हूँ, तो ये सब ज़्यादा मैं खोल कर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये अभी मैं ड्राइव में कराई हूँ, तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से है बना हुआ है। ये पूरे बॉडी पर ऐसा है, देखिए बांदेज है, बांदेज में जो साड़ियाँ आती हैं, और ये इस तरह से है, ये पूरा बांदेज ही है। और ये रानी कलर है, पूरा दिखने कलर उस पे दूसरा दिखता है थोड़ा सा, तो ये एक वर्क में है। और ये इस तरह से है, और पूरे बॉर्डर ये साड़ी का पल्लू है इस तरह का, और इस तरह से नीचे नीचे ऐसा ही बना हुआ है पूरे पर। और ये साड़ी मैंने 2008 में जब मैं गई थी वैष्णो देवी तब मैं पहनी थी, मैं इसका पिक डाल दूंगी आप लोगों को। और ये तो मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो में पहनी थी, आप लोग देखे होंगे। और ये देखिए रेड कलर का ये साड़ी वर्क में है, इसे खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ, ये लहंगे जैसा है। और ये मैं अपने जयमालों के टाइम पर पहनी थी ये साड़ी, देखिए। और ये दूसरा रेट है लेकिन दिख कुछ और रहा है, और पूरे में इस तरह प्लेन है और नीचे इस तरह से है, और इसका पल्लू में इस तरह से वर्क है। ये हल्के में मम्मी ने दी थी शादी में घर पे पहनने के लिए, तो हल्का हल्का वर्क है इस पर, ज्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा से इस तरह से वर्क है सब पर, और साइड साइड में इस तरह मोतियों का काम था। और ये साड़ी देखिए ऑरेंज में है, इस पर वर्क किया हुआ है, ये पल्लू है और ये पूरे पर ऐसे ही बना हुआ है बूटा बूटा सा, इस तरह का है देख लीजिए। और ये मैं जब फेरा हो रहा था तब मैं पहनी थी, बट अपने शादी के समय फेरे पर एक मैं साड़ी पहनी थी और सिंदूरदान के समय, तो मैं इसका भी आपको पिक भेज इस पे पिक डाल दूंगी। और ये भी हल्दी कलर का ही है, और इस तरह इस पर भी सारे पर ऐसे ही बना हुआ है। और ये देखिए ये ब्लू कलर की वर्क वाली साड़ी है, ये इसका ये साड़ी का पल्लू है, और पूरे पर इस तरह से छोटा छोटा सा काम किया हुआ है। ये मेरी दीदी ने मुझे शादी पर दिया था, और देखिए ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, कलर इसका काफी अच्छा है। तो देखिए एक ये साड़ी भी है मेरे पास,
तो काफी हैवी वर्क है, इस पर स्टोन लगा हुआ है और ये इसका पल्लू है। अब पूरे पर इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटा छोटा सा काम किया हुआ है। और ये देखिए, ये सबसे भारी साड़ी है मेरी, और ये मेरी दीदी ने दी थी मुझे। और ये देखिए, इस पर स्टोन का पूरा काम किया हुआ है, स्टोन और इधर साटन वर्क है, और छोटा छोटा सारे पर इस तरह से बना हुआ है इस साड़ी में। और इसका कलर पूरा आ नहीं रहा एग्जैक्ट, जो कलर है इसका डार्क डार्क क्या बोलूँ, ब्राउन, उससे भी डार्क कोई कलर, इसका भी कलर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। तो बस उसी कलर का है, ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, बॉटल ग्रीन। तो ये भी साड़ी बहुत ही अच्छी है, देखिए इस तरह से बनी हुई है सारे साड़ी पर। इसका वर्क देखिए काफ़ी अच्छा है, और ये जॉर्जेट में है। तो ये हैवी हैवी साड़ी आपको मैंने दिखा दी, और कुछ मेरे पास कोरा साड़ी रखी हुई है जो कि मैंने पहने नहीं है, जिस जैसे ये तांत की साड़ी है, आप देख सकते हैं इसे, ये मेरी मुंह दिखाई पर किसी ने दी थी, और इसके साथ इसका ब्लाउज इस तरह का था। तो ये मेरी मुंह दिखाई पर मिली थी, ये कोरा साड़ी है, मैंने पहनी नहीं है इन सब साड़ियों को। और एक ये साड़ी है सी ग्रीन में थी, और इस तरह से भी देखिए इस तरह की साड़ियां हैं। तो ये सारी साड़ी कोरा है, मैंने पहने नहीं है इसे। और इस तरह से देखिए, ये सिफोन में साड़ी है, पतली हल्की सी है, ये रेगुलर यूज के लिए काफी अच्छी है, लेकिन मैंने अभी इसे भी नहीं निकाला है। और जितना मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, सारा कोरा साड़ी ही है, इस तरह का है, रुकी इस तरह से है, एक साइड इस तरह है और ऊपर इस तरह का आएगा। ये सारे शिफॉन के साड़ी हैं जो कि रेगुलर यूज के लिए काफी अच्छे हैं। और एक ये साड़ी है, और ये पीच कलर का साड़ी है, ये भी मेरे शादी पर पेपर सिल्क साड़ी से बोलते हैं, ये भी चढ़ा हुआ था। ये देख सकते हैं, इसमें ये पीच कलर का है, इसका जो बॉर्डर है लाइट क्रीम कलर का है। और ये भी सिल्क साड़ी ही है, सिल्क में पता नहीं कौन सा सिल्क है, ये सी ग्रीन में है। इस पे ऑरेंज कलर का वर्क बना हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये साड़ी का पल्लू है, इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए, सी ग्रीन और ऑरेंज में इसका कॉम्बिनेशन है। और ये तो अभी पैकिंग में ही है, ये अभी जो चंदेरी सिल्क आता है बस वही है, ये चंदेरी सिल्क। ये चंदेरी सिल्क में देखिए इस तरह तो है,
पूरे पर ऐसा ही है वर्क इसका, तो ये सारी ये थोड़ी फैंसी साड़ियाँ थी, और कुछ घरेलू साड़ियाँ भी मैं मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वर्क वाली एक दो मैंने वर्क वाली साड़ी आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये देखिए ये वर्क वाली साड़ी है, और ये देखिए ज्यादा ही ग्रीन दिख रहा है, जितना है नहीं, सी ग्रीन जैसा है। अब देख सकते हैं ये पल्लू है इसका, और ये पूरे पर इस तरह से पूरे साड़ी में इस तरह से वर्क किया हुआ है, देख सकते हैं। और ये साड़ी तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो में पहनी थी, और ये सिंपल से घरेलू साड़ी पहनने के लिए घर में ये थी मेरी, काफी हल्की ये साड़ी, लाइट वेट है। और ये किए है, ये सेडेड में साड़ी है, ये दिखा रही हूँ आपको। और ये देखिए ये इस तरह से साड़ी है, और पूरे पर इस तरह से पूरे साड़ी इस तरह का है, और ये सिंपल ये सिंपल सा है, हल्का सा वर्क इसमें किया हुआ है, बांदेज का है, लेकिन ये शिफॉन में बांदेज का है, ये भी लाइट वेट ही है। और इसका एक पल्लू है, पल्लू में थोड़ा सा ज्यादा काम है, और ये लास्ट साड़ी मेरा बच रहा है आपको दिखाने के लिए, तो ये देखिए ये नेट का साड़ी है इसका, और इसका पल्लू देखिए इस तरह से बना हुआ है, ये पल्लू है, और पूरे में इस तरह से इस तरह का वर्क है, पूरा इस तरह का वर्क है। तो मैंने अपने सारे साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखा दिया, तो मेरा साड़ियों का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था, कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।